दोस्तों, भारत ने एशिया कप 2022 की शुरुआत जीत के साथ की है। पहले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इस रोमांचक मैच में आखिरी 5 ओवरों में गजब का रोमांच देखने को मिला। आखिरी 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 51 रन चाहिए थे, तब हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा क्रीज पर थे। तब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम भारत पर हावी हो रही है, लेकिन हार्दिक के कमाल ने पाकिस्तान को हारने पर मजबूर कर दिया। आखिरी 5 ओवर में मैच किसी और भी मोड़ सकता था, लेकिन हार्दिक ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और विनिंग सिक्स लगाया। हार्दिक 17 गेंदों में 33 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा उन्होंने 3 विकेट भी लिए थे। इस प्रदर्शन के लिए हार्दिक को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। आज की इस वीडियो में हम आखिरी 5 ओवर के रोमांच के बारे में बताने जा रहे हैं। 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या और जडेजा ने मिलकर 10 रन जोड़े। शहनवाज दहानी ने इस ओवर में गेंदबाजी की। इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी और 3 रन एक्स्ट्रा के मिले। आखिरी 4 ओवर में भारत को 41 रन चाहिए थे। 17वें ओवर में हार्दिक और जडेजा ने मिलकर 9 रन जोड़े। हारिस रऊफ के इस ओवर में 3 वाइड आए। इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी। आखिरी 3 ओवर में भारत को 32 रन चाहिए थे। 18वें ओवर में जडेजा ने 1 छक्का और 1 चौका लगाया और टीम ने कुल 11 रन बटोरे। आखिरी 2 ओवर में भारत को जीत के लिए 21 रन चाहिए थे। हारिस रऊफ के 19वें ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर हार्दिक ने लगातार 3 चौके लगाए। मैच यहीं पलट गया। इस ओवर में कुल 14 रन आए। आखिरी ओवर में भारत को 7 रन चाहिए थे। मोहम्मद नवाज गेंदबाजी के लिए आए। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर नवाज ने जडेजा को क्लीन बोल्ड किया। जडेजा 29 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 35 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने 1 रन लिया। तीसरी रन पर कोई रन नहीं बना। चौथी गेंद पर हार्दिक ने छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई। भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला 31 अगस्त को हांगकांग के साथ खेलेगी, तो बने रहिए तब तक हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।